हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विंड चैनल। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। एसआई का फर्स्ट पेपर था, तो अपन ने जीके कल एमपीजी कर लिया था एंड हिंदी कर लिया। अपन मैथ्स करते हैं चैनल, ठीक है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको फॉर्मूले कुछ ट्रिक्स आती हों, तो मैं सीधा सिर्फ आंसर्स करूँगा डायरेक्ट करके, ठीक है। इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ द मनी 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, ठीक है। कितने समय में कितने मूलधन का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन में 3/8 गुना हो जाएगा, यानी कि 3/8 है सिंपल इंटरेस्ट, 3/8 पी है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता फॉर्मूला। पी से पी कैंसिल, अपन को क्या चाहिए टाइम। आर कितना दिया है, आर है 12%, 12/8 मतलब कि 1/8 होता है, 1/8 इंटू टी बराबर 3/8, 12.5% बराबर होता है 1/8, ओके। जो 100 है वो परसेंटेज का रहता है, 8 से 8 गया तो टाइम बचेगा 3 ईयर्स, ओके। होप समझ में आया, नहीं आया तो बताएं आप, मैं कमेंट बॉक्स में लिखे मैं फिर से कर दूंगा। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें से अपन को ढूंढना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि इन चारों में से वन ग्रेटर देन वन कौन सा है। तो 3 ये तो 1 ग्रेटर देन 1 है, 2/9 ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, 7/8 ये भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, 5/12 ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो आंसर इज 4/3। नेक्स्ट, अच्छा तो टाइम एंड वर्क है। अगर 24 मैन हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 डेज, ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज 18 मैन कितने दिन में काम करेंगे, एक्स ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, बाकी काट बिट के अपन कितना आंसर आ जाएगा, 20 डेज। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। कितना है, 6 4 24, 6 3 18, 3 1 3 3 5 5 4 20, ओके। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सी पी इतना दिया है 420 रुपये, सी प्रॉफिट इतना दिया है, प्रॉफिट यानी 5% दिया है, प्रॉफिट यानी कि 1.20 यानी कि 5/100 को क्या बोलते हैं, 1/20 यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी, 21, एक बढ़ जाएगा ना, प्रॉफिट एक का है, 20 सी पी है, तो 20 कितने बराबर, 420 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी, 21, तो इस इन 21 से इंटू कर दो, 21 × 21 कितना हो जाएगा, 441 आंसर, इसका आंसर है 4। 20% ऑफ द 20% जो जो बोलते हैं लिखते हैं, 20% बोला है, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट एक्स है ऑफ 395 स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट कितना है, 78210, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द पर रेट पूछता है, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 79 78 395। 20% होता है, इसको लिखते हैं 1/5 कर दे, 5 इधर चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5, ओके 1/5 उल्टा हो जाएगा, उधर चला जाएगा, 5 से इधर गया, 5 7 35, 5 9 45, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 990, ओके आंसर वन। अब ये देखिए, इससे पूछा एवरेज बोला है, 61 एवरेज किसका, 38 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 87 प्लस वाई प्लस 74 डिवाइडेड बाय कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इज इक्वल टू 61। तो वाई क्वेरी निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई किया सबको प्लस करके माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 64 आंसर आएगा, ओके ये आप कर सकते हैं। मैं अब ये देखिए,
3721 2707 बराबर, ठीक है, तो अंडर रूट 3721 ये किसका है, ये हो जाएगा 1। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं, किसी को नहीं पता हो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट यानी कि 2, तो लास्ट के 2 डिजिट को पहले अंडरलाइन करके ऐसे काट दो, ठीक है। अब 1 किसके में आता है, 1 यानी कि किस नंबर, 1 से लेके 9 तक के बीच में किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आता है, जैसे 81 में 1 आ रहा है, 1 में 0 बना रहा है, ठीक है, तो 1 में और 9 में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से देख, अब देखना 37 के ऊपर का एक स्क्वायर लिखो, 37 नीचे का स्क्वायर लिखो, यानी कि 37 के ऊपर 36 का स्क्वायर है, 6 का 36 होता है, 49 होता है। अब इन दोनों से चेक करना है कि ये जो नंबर है किसके सबसे करीब है, तो 6 से करीब है, तो ये छोटा नंबर है इन दोनों में, हाँ ठीक है, इन दोनों में से। अब ये ठीक है, अब ये तो अपन को छोटा ही लिखना, 37 छोटा वाला 6 आएगा, ठीक है, पहला डिजिट, दो डिजिट का आएगा तो पहला तो छोटा ही होगा जो उसके ऊपर होगा, वो तो कन्फर्म है 6 है, होता लिख दो आन बन के। अब ये नंबर में डिसाइड होगा इससे, जो इस नंबर के करीब है, 36 नंबर है, छोटा नंबर करीब है, तो ये 1 वाला आएगा, तो 61 आंसर, ठीक है, आंसर है, मतलब इसका 61 हो जाएगा। तो मुझे याद था, वो तो आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक और बार बता देता हूँ दूसरे नंबर का, ओके, टेंशन ना ले। ठीक है, अब बोला है 2704, इसे काट दो, 4 किसके में आते हैं, 2 में, 2 2 4 8 8 64 है ना, 04 8 8 64 आता लास्ट डिजिट में, 2 लिख दो। अब 27 के ऊपर का एक ये है 25 और 36, तो 25 किसका स्क्वायर है, ये तो छोटा वाला 2 डिजिट का जो आएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो हमेशा इसके ऊपर वाली ही आएगा जो कि 5 आएगा, जैसे उसमें आ गया था 6, ये जो सेकेंड डिजिट है उस पर डिपेंड करेगी किसके करीब है, 25 के करीब है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है और इसमें कितना 6 7 8 9 का डिफरेंस है, तो आंसर 2 आ जाएगा, तो 52, तो ये कितना हो जाएगा 61 प्लस 52, अब इसको इंटरचेंज कर दो, माइनस 82 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52 3 3 1 1, और 11 में से 8 आता कितना था, 8 9 10 11 9 31, तो आंसर है 2, नन ऑफ दिस। आपको समझाने के लिए इतना कर दिया मैंने, नहीं तो मैं तो ऐसा करूँ, ये तो आपको देख के लग रहा है, ये 1 का क्यूब 1 फिर डैश 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 2 का क्यूब होना चाहिए, तो आंसर 8 है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। डिवाइड करना है 750 को ए बी सी में से, ए रेशियो बी दिया है, कितना उसने दिया है, ए रेशियो बी दिया है 5:2, ओके, उसके बाद दिया है बी रेशियो सी, वो कितना है 7:13, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा सर, देखो ये लिखता था ए बी सी, ए रेशियो भी कितना दिया है 5:2, बी रेशियो सी दिया है 7:13, तो कितने भी हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये सी है, डी है, ई है, जो लास्ट डिजिट है उसके आगे बढ़ाते जाओ जो भी है, समझ गया, इसमें तो है नहीं तो ये भी हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 इसको यहाँ बढ़ाते जाओ जितने भी आते जाएँ, ओके, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 14 26, ये आ जाएगा 75 ओवरऑल। अगर कट रहा है कोई कॉमन, जैसे इसमें 2 2 2 ये हो जाएगा, इनमें से कुछ कॉमन कट रहा है तो काट दे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लें, इसमें नहीं कट रहा तो, ठीक है, तो 75 आ गया ओवरऑल, 75 यूनिट बराबर 7500, एक यूनिट होगा 100 रुपये का हो गया, तो ए में कितना हो जाएगा 100 × 35 हो जाएगा 3500, ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1400
सी का होगा 2600। पूछा किसका है, हाउ मच विल बी द बी रिसीव, बी कितने मिलेगा 1400। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड 20:20:10 का एक रेक्टेंगुलर क्यूब क्यूबॉइडल है, ठीक है। इसे पूछा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो ये वाली बनेगी, ये जो डायगोनल बनेगी ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इसका हमेशा फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना देगा 20 का 400 प्लस 400 प्लस 100 900, तो 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है